नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। 8 नवंबर 2022 को पुनः चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और इस चंद्र ग्रहण का हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण पड़ना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हानिकारक होता है। इसलिए ऐसा संयोग जो है लगभग 200 साल के बाद बना है और यह शुभ संकेत करता है। शास्त्रों में इसके बारे में लिखा हुआ है। चंद्र ग्रहण के दिन यदि हम देखते हैं ग्रह स्थिति, तो मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु ये ग्रह आमने सामने आ रहे हैं। और यदि क्योंकि मेष राशि पर जो है चंद्र रहेंगे राहु के साथ, तो ऐसे में ग्रहण योग बन ही रहा है और वर्तमान में भी राहु जो हैं मेष राशि में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है मानसिक परेशानी, कलह की स्थिति राहु और चंद्र का योग बनाता है, जिसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। ग्रहण दोष भी कई कारणों से बनता है। यदि कुंडली में यह दोष पड़ जाता है तो माता के द्वारा या माता को पीड़ा होती है, माता से कष्ट होता है, मातृ दोष भी इसे कहा जाता है। तो इन्हीं सब से बचने के लिए हमें उपाय जरूर करना चाहिए, अपनी माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए, उनकी आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि हम ऐसे दुष्योगों से बच सकें। क्योंकि ग्रह और कुंडली कहीं ना कहीं काम जरूर करते हैं। और इसके अलावा जो है कुंडली यदि हम देख रहे हैं तो मंगल और शनि का जो है षडाष्टक योग भी बन रहा है और यह योग बढ़ने से जो है कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं, वाद विवाद देश विदेश में बढ़ सकते हैं, सीमा विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और इसके साथ जो है कुछ ऐसी गतिविधियां जो कभी समझ में ना आई हो देखने को मिलती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रह स्थिति के अनुसार क्या कह रहा है आपका राशिफल। तो जैसा कि हमें पता है कि ग्रहण काल में हमें जो है शयन नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए और इसके साथ जो है गर्भवती महिलाओं को भी छुरी आदि से काटना, फल सब्जी काटना, दरवाज़ा लगाना ये सारे कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ते हैं और कई बार अंगों की हानि भी होती देखी गई है। तो इस प्रकार से हमें बचना चाहिए, भगवान नाम का जाप करना चाहिए। तो किन राशियों में विशेष ग्रहण का शुभ योग बन रहा है वह मैं आपको बतलाऊँगी। तो मेष राशि के लिए क्या स्थिति बनेगी यह भी मैं आपको बतलाऊंगी। तो जो ग्रहण काल के समय हम देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए हमें जो है भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजन आदि करना चाहिए, ताकि हम इन मंत्रों के जाप से बच सकें। जैसा आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु सारे कार्य किए जाते हैं। इसमें आप अपनी जन्म पत्रिका बनवा भी सकते हैं और दिखला भी सकते हैं। कुंडली मिलान है, मंगल मिलान है, आप क्या बन सकते हैं, क्या आपकी कुंडली में योग बन रहा है, इसके बारे में भी आप सारी जानकारी अपनी जन्म पत्रिका से करवा सकते हैं और कुंडली अपनी दिखला सकते हैं। तो ग्रह स्थिति के अनुसार क्या योग बना हुआ है 8 तारीख को आपकी विशेष राशियों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए जो है थोड़ा सा कष्ट का समय रह सकता है। इसीलिए मेष राशि वालों के लिए जो है चंद्र ग्रहण के दर्शन ना करें, जब पूरा चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद ही आप निकलें और दर्शन ना करें और स्नान आदि करके दान आदि अवश्य करें। ऐसा करने से आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर की राशि आती है वृषभ राशि। तो जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए भी हानि का योग समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों के लिए भी बच के रहने की ज़रूरत है, आप भी चंद्र ग्रहण के दर्शन ना करें। बहुत से लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है, उनकी इच्छा है। अब आगे देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए लाभ का योग बना हुआ है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा और जो आपके कार्य रुके हुए थे उन सब में आपको लाभ देखने को मिलेगा, धन लाभ के आपको योग बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यदि हम देखते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए कार्य, पद, मान सम्मान से जुड़े हुए जो वाद विवाद चल रहे थे उन सब में आपको सफलता के योग बनेंगे और आपके कार्य सिद्ध होंगे।
सिंह राशि वालों को देखते हैं तो विशेष शुभ फलकारी रहेगा। जो अभी तक आपकी बाधाएं आ रही थी कार्यों में भी सब दूर होंगी और आपको जो है लाभ के योग बनेंगे, आपकी मनचाही इच्छा की पूर्ति होगी। कन्या राशि वालों के लिए जो है कुछ हानि हो सकती है, तो कन्या राशि वाले भी चंद्र ग्रहण का दर्शन ना करें और जब ग्रहण जो समाप्त होता है उसके बाद दान पुण्य पूजा पाठ जरूर करें। तुला राशि वालों के लिए शुभ फलदायक है, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जो है हानिकारक है, आपको ऋण रोग और शत्रुओं से हानि हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप भी चंद्र ग्रहण के दर्शन ना करें और स्नान जब भी चंद्र ग्रहण समाप्त होता है उसके बाद स्नान दान जरूर करें। धनु राशि वालों के लिए विशेष शुभ फलकारी है, आपको विद्या संतान कार्य व्यापार में विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए जो भूमि वाद से संबंध वाद विवाद या कुछ घरेलू परेशानियां चल रही थी इन सब की निवृत्ति होगी और लाभ के आपको योग बनेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए जो है जो भी आपके रुके कार्य थे उनमें आपको सफलता मिलेगी, तो यह विशेष आपके लिए सुफलकारी रहेगा। अगली राशि आती है मीन राशि वालों के लिए भी, जो वाद विवाद अभी तक कुटुंब परिवार में चल रहे थे वह सब दूर होंगे और आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। तो इस प्रकार से 12 राशियों के लिए मैंने राशिफल बताया कि ग्रहण का क्या असर हो सकता है, तो यह फल कहा गया है और जब तक ग्रहण काल होता है तब तक हमें उसके दर्शन नहीं करना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त होता है तो अपने घर में जो स्नान आदि करने के बाद समस्त घर में गंगा जल आदि छिड़कना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए और इसके बाद भगवान की पूजा अर्चन करें, तो ऐसा करने से जो है ग्रहण के पड़ने वाले दोष जो रहते हैं वह दूर हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।